दादी जी, बहुत दुख हुआ सब जानकर दादाजी के साथ जो भी हुआ। बस यही कहने आई थी? नहीं, मैं ये कहने आई थी कि आप बब्बल जी को बुलाकर उनसे कहिए कि वो लुटेरों से माफी मांगे। क्यों? उन्होंने लुटेरों की इतनी पिटाई की, इसीलिए। बावली हो गई है तू? आजकल ममता की संगत में ज्यादा रह रही है। बबल ने जो किया सही किया। अरे अपने आत्मरक्षा के लिए वार तो करना ही पड़े। तो दादी जी, हो सकता है कि जिस सांप ने दादाजी को काटा हो उसने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए। चोरी, तू कहना क्या चाहती है? हाँ दादी जी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हमें ये तो नहीं पता ना कि वहाँ जंगल में उस दिन सांप ने दादाजी को क्यों काटा। हो सकता है कि वो भी घबरा गया हो। सांपों के इतिहास में लिखा है कि बस। ये किस लिए दादी जी? ट्रेन के टिकट के लिए। अगली बार तूने सांपों की तरफदारी की तो सांपों के इतिहास की किताब लेकर इतनी दूर जाइयो कि वापसी अगले जन्म में हो। दादी दादी दादी, हमें पता है तू आज बहुत उदास है, तो हम तुझे हंसाने आए हैं दादी। अरे फंसाने नहीं, हंसाने आए हैं। अच्छा दादी, तो सबसे पहले आज मैं तुझे एक चुटकुला सुनाऊंगा। अरे ना, वो बाद में, पहले चुटकुला सुना। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे सुना रहे हैं दादी, सबर तो कर। अरे सुना सबल। क्या सुना? अरे लाल किताब देख। लाल किताब? हाँ चुटकुला। दादी एक बार क्या होता है कि दो आदमी ना सड़क पे जा रहे होते हैं, तो जो पहला आदमी होता है ना वो दूसरे आदमी को बहुत पका रहा होता है, तो जब पहला आदमी दूसरे आदमी को पका रहा होता है तभी दूसरा आदमी बोलता है चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। चुप, मैंने भी यही कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहां से। रे माँ, ये बच्चे तो तेरी हंसी देखने आए थे, तूने तो उनकी हंसी बंद कर दी। इन दोनों ने तो सारा सामान भी गाड़ी में रख दिया। वो पिताजी की पुण्यतिथि पे हर साल तू जाती है ना कंबल वगैरह बांटने। एक बात और माँ, ये बच्चे तय कर रहे थे अगर दादी के साथ पिकनिक सी हो जाए थोड़ी देर के लिए तो है तू चली जाना, दिल लग जाएगा तेरा, और उधर से आते हुए दान पुण्य भी करते आना। मैंने कब मना किया? चलो चलेंगे। इच्छा बेटी, तू भी तैयार हो जा, तू भी तो बच्चे जैसी है हमारी है? और सुन छोरी, आज के बाद मारे सामने सांपों की तरफदारी की तो मारे से बुरा कोई ना होगा। जी दादी। याद करो बिन्नू भाई साहब, अखाड़े वाले घर का वो पहलवान आदमी, 6 साल पहले आपने उसे जंगल में डसा था, नाम था वीर सिंह। हमने सांपों के सारे दस्तावेज परख कर ही आपको यहां बुलाया है। हाँ याद आया, मैंने एक इंसान को डसा था जंगल के पास। हाँ हाँ वही वही। क्यों डसा था? देखिए सही से तो मुझे याद नहीं, पर इतना याद है कि मेरे पीछे एक नेवला पड़ा था, उससे बचते हुए मैं जंगल की तरफ भागा और वहां एक झाड़ी में जाकर छिप गया था। तभी झाड़ी में हलचल हुई तो मुझे लगा कि वो नेवला है, तो मैंने उसे डस लिया। ऐसे कैसे डस लिया? बिना सोचे बिना समझे? अब आपका किया मेरी सपोली को सेना भर रहे। ये सब अनजाने में हुआ, पछतावा मुझे भी है, मैं उनकी जान नहीं लेना चाहता था, मुझे माफ कर दो मुखिया जी। अरे नहीं, माफी मत मांगिए बिन्नू भाई साहब, बस आपको हमारी थोड़ी और मदद करनी हो, हम जैसा कहेंगे आप वैसा ही करिएगा। जैसा आप कहें मुखिया जी। अरे वाकू, क्या खबर लाए तू, चलो जाके सबको बता देते हैं, दादी जी ये सुनेंगी ना तो सांपों को माफ कर देगी। चलो चलो। ओ, तुम कहोगे और वो मान जाएंगी? वो नहीं पूछेंगी ये सब तुम्हें कैसे पता?
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें? सोचो। मैं भी सोचता हूँ। हाँ, एक तरकीब है। वाकू, तू एक बाबा का बेश बनाकर यहाँ आ जाना। मैं तुझे इनके घर वालों की कुछ बातें बता दूंगी ताकि तेरी सिद्धि पर पूरा विश्वास हो जाए इनको। और फिर तू बोल देना कि तू सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि जीव जंतुओं का भी भूत भविष्य देखता है और जिस सांप ने दादाजी को काटा है उसे भी बुला सकता है। फिर हम बिन्नू भाई साहब को सामने लाएंगे और तू बता देना कि उसने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया। ठीक है? ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा। अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो? अरे मेरे घर वाले बहुत बोले, आज तक इच्छा का झूठ नहीं पकड़ पाए। तुम्हारा रस कहाँ से पकड़ेंगे? वही तो। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अगर तू बीच में कुछ भी भूल जाए तो अलख निरंजन बोल देना, मैं सब संभालूंगी। ठीक है? ठीक है। क्या हुआ आपको? दादी अभी भी गुमसुम बैठी है। अरे तो आप लोग भी थोड़ा खिलाओ ना उन्हें अपने साथ। अरे अच्छा, मैंने दादी से पूछा था कि हेलीकॉप्टर से खेल लीजिए, लेकिन उनको कुश्ती की दाव के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। अप्पू, हेलीकॉप्टर तुम्हारे खेलने की चीज है। तो आज उनसे कुश्ती की दाव सीखते हैं ना? पानी में कुश्ती करेंगे? नहीं, कुश्ती पे पानी फिरेंगे। चल चल चल। दादी 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 दादी, क्या हुआ? आज मैं कुश्ती के दांव पे सिखाऊंगा। ना छोरा ना, या नहीं घर के अखाड़े में। अरे दादी प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्लीज दादी प्लीज 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 दादी। ओके संजय जो प्लीज प्लीज बोल रहा है। अरे दादी जो भी ये कह रहे हैं। हाँ दादी सिखा दो ना दादी, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है चल। भैया पटको पटको। आजा सबल, गर्दन पे हाथ देकर पटक दे प्रबल को। कैसी बात कर रही है तू दादी? छोटा भाई हो के बड़े भाई को पटकूंगा? प्रबल तू पटक दे सबल को। अरे दादी जब छोटा बड़ी बात कर रहा है तो बड़ा छोटी बात कैसे कर सके? मैं ना पटक सकता इसे। अरे बावलो, कुश्ती के कुछ नियम होते हैं। अखाड़े में कोई रिश्ते नाते नहीं होते, सारे रिश्तेदारी कुश्ती के अखाड़े के बाहर होती है। अखाड़े में वो हमारे लिए अजनबी और हम उसके लिए अजनबी। हम उसे नहीं पहचानते, वो हमें नहीं पहचानता। हम सिर्फ पहचानते हैं तो कुश्ती के दाव पेच। हाँ समझ गए दादी। और रेफरी साइड हो जा, फ्री फंड में लग जाएगी। चल। वाह। हाँ भाई, जो भी नाम है तेरा सबल, तू यहाँ क्या करने आया है? अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं अजनबी के मुंह ना लगता प्रबल भाई। अरे कुश्ती करेगा या नहीं? अरे दादी जो सीधे मुंह बात ना कर सकता उससे कुश्ती कैसी? तो फिर तुम लोग क्या करने आए थे यहाँ पे? अरे दादी प्रबल भाई का तो ना पता, मैं तो यहाँ ये पूछने आया था कि देसी घी की जलेबियाँ कहाँ मिलती हैं। अरे बनियान वाले को जलेबी ना मिलती, पहले तमीज से कमीज पहन के आ, फिर मिलेंगी जलेबी। ठीक है मैं कमीज पहन के आता हूँ। भाई साहब 1 किलो गर्मा गर्म देसी घी की जलेबियाँ पैक करके रखना। अरे पैसे तो दे जा, एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे। अम्मा जी घर पे चलो, बाबा जी ने आप सबको घर पे बुलाया है। घर पे बुलाए? हाँ दादी बाबा ने बुलाया है। तू कितना समझदार है फिर भी बच्चों की तरह जिद करता है, पर अब और नहीं, सब कुछ पता कर लूंगी मैं आज, बिना तुझे कोई कष्ट दिए। ये देख रहा है, इसके अंदर जाते ही तेरे दिल के सारे राज खुल जाएंगे पी, और आज तू मुझे सब बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं पीऊंगा, मैं ऐसा नहीं पीऊंगा। मैं तुझसे पूछ नहीं रही, आदेश दे रही हूँ। मैंने कहा ना मैं इसे नहीं पीऊंगा और ना ही तुझे कुछ बताऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सजा दे दे। सजा तो तुझे मिलेगी और ये भी तुझे पीनी पड़ेगी, चाहे प्यार से पी या जबरदस्ती से। मैंने कहा ना नहीं पीऊंगा मैं इसे, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं पीऊंगा, नहीं।
जल्दी बता, कौन कौन है तेरे परिवार में, कहाँ है तेरा घर? मेरे घर वाले, मेरा परिवार, इनके बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। तुम वही हो ना जिसके सिर पे पत्थर लगा था? वो पत्थर नहीं मिला? अरे बाबा वो मैं हूँ, मुझे पत्थर लगा था, मुझे। तो तूने बचपन में तार से करंट लगा था, अभी तक ठीक नहीं हुए। बाबा जी मेरे बारे में कुछ बताओ ना बाबा जी। रेल का इंजन। अलख निरंजन। लाल किताब, भूलने की आदत। अलख निरंजन बेटा, तुझे भूलने की बीमारी है। याददाश्त गई है तेरी? सब कुछ लाल किताब में लिखता है, उसमें से ही पढ़ता है, उसमें से ही बोलता है। बाबा मेरे बारे में कुछ बताइए ना। तंत्र मंजन। अलग निरंजन। अलग निरंजन। ये सबल की मंगेतर है, हमेशा जली बुनी रहती है। अलाख निरंजन, तुम सबल की मंगेतर हो, हमेशा जली बुनी रहती हो। इनका मतलब है कि नगीना जी इतनी खूबसूरत है कि सब देखकर इन्हें जल बुन जाते हैं और हूं करके चले जाते हैं, है ना बाबा? मुद्दे पे आ। मुझे यहाँ से कुछ जलने की बू आ रही है। हाँ वैसे मुझे भी आ रही है। अरे हाँ आ रही है। माँ। हाँ। कहीं दूध तो ना जल गया? दूध जला है? है? आज दूध जला है, कल को सब्जी जलेगी और परसों पूरी रसोई जल जाएगी। अम्मा जी बताओ क्या करें? अरे तू बातें ठोकना बंद कर। बाबा आप ठोको। मुझे ऐसी बू आ रही है जैसे आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई थी 6 साल पहले। हाँ हाँ हुई तो थी, हमारे दादाजी की। जहाँ ये हादसा हुआ था मुझे वहां तक सब कुछ दिख रहा है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ जंगल के पास तक। पापा बीच में नीरू चाची का भी घर है, देख के बताना उनकी बकरी ठीक है ना, कल से बहुत बीमार है बेचारी। वो तो नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है कि चने की झाड़ियां उग रही हैं, फसल कट रही है और एक पहलवान के साथ दूसरा इंसान जंगल की तरफ जा रहा है। वो आप ही थे ना? मैं ही था। दोनों इंसान जा रहे हैं जंगल की तरफ, अंदर और अंदर, तभी किसी को सांप ने काटा। किस्मत तो देखो, वो सांप आज यहीं आसपास है। मैं उसे यहां बुला सकता हूं। तू बाबा जल्दी बुलाइए ना उसे। वो देखो। Thank you.
सर पे क्रॉस का निशान था। दादी यही वो सांप है जिसने नानी को डसा था, वो निशान नहीं है उसमें। अरे तू देख क्या रहा है, जाके लाठी ला। अरे लेकिन दादी हम बाबा जी से मदद लेके पूछ सकते हैं ना कि ये सांप ने दादाजी को क्यों काटा था। रे छोरे तू चुप रह, हमें यहाँ पंचायत ना करनी, छोड़ दे। इसने ऐसे शांतिप्रिय इंसान को मारा है, इसकी सजा इसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। दादी मुझे लगता है एक बार बाबा जी से पूछ के इसकी डसने की वजह जान लेते हैं। मरेगा तो ये पक्का, बाकी जो पता करना कर लो। आज इच्छा का खेल अच्छे से बिगाड़ सकती हूँ। कोई नागिस्तान में खबर भेजने वाला नहीं, वाको अपने काम में व्यस्त है और मैं अब अपना काम करती हूँ। मैं वीर सिंह जी को देख रहा हूँ, वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, तभी एक नेवले से डरा हुआ सांप। बुद्धि गृहस्थम जीव वशम अहम कथम त्वम वक्तम फिश फिश। नेवले को देखकर फुंकार मारता है और नेवला डरकर भाग जाता है। सांप वीर सिंह जी को देखता है और उनका पीछा कर रहा है। सांप वीर सिंह जी के पीछे जा रहा है, तभी वीर सिंह जी रुके और सांप ने वीर सिंह जी को डस लिया। चिरमिरी, चल तेरा काम तो खत्म हुआ। ये तूने क्या किया वाकू? मैंने पहले ही कहा था कि सांप किसी का ना होते। तेरे दादाजी कोई गलती नहीं थी, सभी गलती इस सांप की थी। ए छोरी, अपने सांपों के इतिहास की किताब में लिख ले कि सांप बिना वजह भी काट ले। दादी मतलब सारी गलती सांप की थी, दादाजी निर्दोष थे। अरे तुम लोग कुछ करोगे या यहीं खड़े खड़े सांप पे इल्जाम लगाते रहोगे? अम्मा जी आज हम इस सांप पे इल्जाम लगा रहे हैं तो हम इसे मारे हैं, कल को हम पे इल्जाम लगेगा सांप को मारने का तो इसके घर वाले आएंगे और हमें डस के मारेंगे। बताओ। अरे तू बात ठोकना बंद कर, से कैसे मारेंगे? उस दिन तो तू बच के निकल गया था, आज देखता हूं तुझे कौन बचाता है मेरे हाथों से। अरे जाके डंडा लेके आ। चलो 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 जाओ जाओ। थोड़े हल्के से रखना, कहीं आपके पांव से इसका दम ना घुट जाए। हे नागूमी देव, लगता है आज ये भाई साहब बिना वजह मरेंगे। आज तो तू जरूर मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया इच्छा, मुझे नहीं पता कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया।